गाइस, आपके फोन के पावर बटन के बाद आप सबसे ज्यादा यूज करते हो कीबोर्ड। वैसे यहाँ पे एक मस्त फैक्ट बता देता हूँ, आपके फोन का जो कीबोर्ड है ना, वो अगर आपके फोन में नहीं रहता तो आप 90% काम नहीं कर सकते। और आज हम लोग कीबोर्ड्स के ऐसे ही कुछ शॉर्टकट्स के बारे में जानेंगे, कुछ कीबोर्ड्स के ट्रिक्स के बारे में जानेंगे, कुछ कीबोर्ड्स के हैक्स के बारे में जानेंगे। बहुत सारे कीबोर्ड के एप्लीकेशन प्ले स्टोर में अवेलेबल है, बहुत सारे स्मार्टफोन के कंपनीज खुद अपने कीबोर्ड को मैन्युफैक्चर करते हैं अपने स्मार्टफोन के लिए, लेकिन यहाँ पे एक जो कीबोर्ड है जो कॉमन आता है वो है जी बोर्ड या गूगल बोर्ड। तो आज का ये वीडियो बेसिकली गूगल बोर्ड के ऊपर फोकस्ड होने वाला है, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वीडियो के आखिर में आप बहुत सारे चीजें नए नए सीखेंगे गूगल बोर्ड के बारे में। तो चलो भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा आज के इस वीडियो में एंटर करते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आपने कोई भी एक पैराग्राफ या कोई भी एक सेंटेंस या कोई भी एक वर्ड लिखा है स्मॉल कैप्स में, और बाद में जाके आपको पता चलता है कि उसको पूरा का पूरा बिग कैप्स में लिखना है। तो वैसे में आप इस वाले हैक को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सैंपल के तौर पे कोई भी एक टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है टेक्नोट्रोव, और उसके बाद इसको सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मेरे को सिर्फ और सिर्फ प्रेस करना है शिफ्ट में, और मैं यहाँ से अपने हिसाब से इसको फॉर्मेट कर सकता हूँ। अगर मेरे को बिग कैप्स में चाहिए तो बिग कैप्स, अगर मेरे को स्मॉल कैप्स में चाहिए तो स्मॉल कैप्स, अगर मेरे को बिग और स्मॉल दोनों कैप्स में चाहिए तो दोनों कैप्स में मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूँ। और ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल फीचर है, एक सीक्रेट फीचर है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता। नेक्स्ट फीचर है, इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन दुख की बात कोई इसको यूज नहीं करता। ये जो चीज है, इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसलेट, लेकिन बहुत सारे लोग इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं, और मेरे को लगता है कि मैं अगर ये वीडियो में दिखा देता हूं तो आगे से सभी लोग इसको यूज करने लगेंगे। वैसे आप यहां पे किसी भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो। इसके बाद वाला जो फीचर आता है ना, इसको जानने के बाद मैं लिख के देता हूं कि आप जिंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो इसको जरूर से यूज करोगे। जब भी आप किसी को भी कोई लोकेशन भेजोगे, चाहे वो सिनेमा हॉल हो सकता है, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो सकता है, चाहे वो कोई भी स्टोर हो सकता है जो कि गूगल मैप्स में अवेलेबल है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गूगल बोर्ड पे जाके सर्च करना है, और सर्च करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ शेयर पे टैप करना है, और शेयर पे टैप करने के बाद पूरा का पूरा जो डिटेल्ड लोकेशन है आपके दोस्त के पास पहुंच जाएगा। और ये भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल फीचर है। वेल, इमोजीज तो सभी लोग यूज करते हैं, लेकिन कैसा होगा अगर आप खुद के इमोजीज यूज कर सकते हो? तो बिल्कुल जैसे कि बिटमोजी हो गया, जिसके जरिए आप खुद के अवतार क्रिएट कर सकते हो, वैसे ही गूगल कीबोर्ड में या जी बोर्ड में एक इनबिल्ट फीचर रहता है जिसका नाम है गूगल मिनी इमोजी। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको जाना है स्टिकर्स में, उसके बाद आपको जाना है मिनीज में, और यहाँ पे जाके आपको करना है ऐड, और उसके बाद आपको खुद की एक सेल्फी ले लेनी है। कुछ देर बाद ये आपके फेस को एनालिसिस करेगा और आपके हिसाब से एक इमोजी क्रिएट कर देगा ऑटोमेटिकली, और आप खुद की तरह इन गूगल मिनी इमोजीज को कस्टमाइज कर सकते हो, इसको अपने हिसाब से सजा सकते हो, और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एक फीचर है। वेल, आपने कीबोर्ड पे टाइप करते वक्त कर्सर तो जरूर से देखा है जो कि इस तरीके से ब्लिंक करता है, और कंप्यूटर में जाहिर सी बात है रहेगा ही, और कंप्यूटर में वैसे कर्सर को प्लेस करना बहुत ईजी होता है क्योंकि वहां पे हमको माउस दिया जाता है, लेकिन स्मार्टफोन के केस में जहाँ पे हमारे पास माउस नहीं है वहाँ पे अगर हम कर्सर पे क्लिक करते हैं तो गलत जगह पे अगर क्लिक हो जाता है तो भाई बहुत दिक्कत होती है। तो ये जो चीज़ है ये बहुत सारे लोग नहीं जानते कि आपके कीबोर्ड का जो स्पेस बार होता है ना, वो माउस पैड की तरह काम करता है। तो यहाँ पे भाई मैंने लिखा है कीबोर्ड हैक्स, और कर्सर को आप देख ही सकते हो, कर्सर एकदम लास्ट में है, और अभी मैं स्पेस बार के जरिए कर्सर को मूव करने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो कर्सर है वो बढ़िया तरीके से मूव कर रहा है, और यहाँ पे अगर आप कोई भी एक बड़ा पैराग्राफ लिखते हो, कोई भी एक बड़ा सेंटेंस लिखते हो, तो वैसे में ये जो फीचर है काफी ज्यादा यूजफुल फीचर हो सकता है। नेक्स्ट जो फीचर है उसको पर्सनली मैं तो बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, और आपको भी रिकमेंड करूंगा कि जरूर से इसको यूज करो, इसका नाम है डिक्शनरी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ सेटिंग्स में, उसके बाद जाता हूँ डिक्शनरी में, और डिक्शनरी में जाने के बाद यहाँ पे पर्सनल डिक्शनरी नाम का एक ऑप्शन है, यहाँ पे जाके मैं इंग्लिश यूएस को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद एक ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि अपने चैनल का URL हो गया, जैसे कि आपके Facebook प्रोफाइल का लिंक हो गया, Instagram हैंडल वगैरह हो गया, आप कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और शॉर्टकट यहाँ पे कुछ एक सेट कर सकते हो, जैसे कि अगर किसी ने आपको आपका जो Instagram प्रोफाइल है उसको आपसे मांगा, करोगे Instagram पे जाओगे, उसका लिंक जो है उसको कॉपी करोगे, उसके बाद यहाँ पे आके पेस्ट करोगे, तो उतना झमेला अगर अवॉइड करना चाहते हो तो इसको जरूर से आप यूज कर सकते हो। लास्ट जो चीज़ है मैं उसको उतना ज्यादा यूजफुल तो नहीं कहूंगा, लेकिन
हाँ ये इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है, इसको जान लो, और ये बहुत ही तगड़ा चीज है। तो ये जो चीज है उसको कहते हैं मोर्स कोड। तो अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए तो मोर्स कोड इज बेसिकली अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, था, अभी भी है, और बहुत सारे जगह पे जैसे कि नेवी हो गया, जैसे कि सबमरीन हो गया, वहां पे मोर्स कोड को यूज किया जाता है। और इस मोर्स कोड को हैकर सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो ये जो कोड है बेसिकली डॉट्स और डैशेस से रिप्रेजेंट किया जाता है, और सभी लोग मोर्स कोड को डीकोड नहीं कर सकते या सभी लोग मोर्स कोड को समझ नहीं सकते। तो इसी बात का फायदा उठाते हुए दो मीडियम्स आपस में कनेक्ट करते हैं मोर्स कोड के जरिए, और यही मोर्स कोड जी बोर्ड में भी अवेलेबल है। आप अगर चाहते हो तो आपके दोस्त के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो मोर्स कोड के जरिए, लेकिन नॉर्मली बंदे नहीं करते। सबसे पहले तो हमको जाना है सेटिंग्स में, उसके बाद जाना है लैंग्वेजेस में, और लैंग्वेजेस में जाके आपको जाहिर सी बात है इंग्लिश US सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अगर हम स्लाइड करते हैं लेफ्ट की तरफ तो एकदम से लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो है मोर्स कोड, और उसको हम यहाँ पे इनेबल करेंगे और नीचे जाके प्रेस करेंगे डन पे। एक हेल्प वाला सेक्शन दिया गया है, यहाँ पे आप जान सकते हो कि कौन से अल्फाबेट का मोर्स कोड क्या है। और यहाँ पे एक मस्त फैक्ट बता देता हूँ, हम लोग 26 अल्फाबेट्स में सबसे ज्यादा जो अल्फाबेट यूज करते हैं वो है ई, और इसीलिए एक डॉट का मतलब है एक ई। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि तीन डॉट्स, तीन डैशेज और तीन डॉट्स, जिसका मतलब है SOS, और ये एक इमरजेंसी सिग्नल है, इसको बहुत सारे लोग पहले यूज करते थे। और इसी तरीके से बहुत सारे मोर्स कोड बहुत सारे वे में यूज होता है। वेल, मैंने पब्लिक ग्रुप में ये स्टंट करने की कोशिश की थी, लेकिन बदले में मेरे को 2-4 गालियां मिली थी, तो इसीलिए ये उतना ज्यादा यूजफुल फीचर नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने मोर्स कोड के बारे में आपको बता दिया, और ये जी बोर्ड का एक सीक्रेट है। और कुछ लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, कुछ लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भी DM करते हैं कि मैं रेगुलर अपलोड क्यों नहीं करता। तो भाई, मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ और बोर्ड्स आने वाले हैं, और बोर्ड्स कब आएंगे ये मेरे को नहीं पता, इसीलिए सभी की तरह मेरी भी लग चुकी है। और अगर बात आती है रेगुलर अपलोड की, तो पिछले वीक हमारे चैनल का मोनेटाइजेशन भी इनेबल हो चुका है, और मेरे को है, अभी YouTube को थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए। और वैसे YouTube पे देखता हूँ, मैंने सोचा है कि एक वीडियो मिनिमम एक हफ्ते में डालने की, और यहाँ पे Instagram पे रील्स में मैं पर डे अपलोड करने की कोशिश करूंगा और देखता हूँ कि आगे क्या होता है। तो इसीलिए Instagram पे फॉलो करके रख सकते हो। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही था, मिलता हूँ आपके साथ अगले किसी फ्रेश कमाल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।